है वीआरवी एक्स। इसमें हम अब इंडोर को मास्टर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा इंडोर से हीटिंग और कूलिंग हमारा मास्टर इंडोर से ही हो जाएगा, कमांड मिल जाएगी, कमांड दे सकते हैं। तो इसको अब कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं। पहले अब हम एमसीबी गिरेंगे, उसके बाद एमसीबी गिरने के बाद हमारी पावर पूरी तरीके से चली जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है हमारा, आइए इधर। उसके बाद ये हमारा जो DS1 स्विच है, इसमें से हमारा देखो कि पहला नंबर उठा हुआ, अगर ये पहला नंबर उठा होगा तो इसका मतलब हमारा आउटडोर मास्टर है इस टाइम। हम अगर इंडोर को बनाने जा रहे हैं तो इसको हम DS1 स्विच को हम इसको नीचे गिर देंगे, जिससे कि ये DS1 स्विच जो उठा हुआ था वो गिर जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हम फिर MCB उठाएंगे। MCB उठाने के बाद उसी टाइम ही MCB उठाने से पहले ही हमें रिटर्न का बटन दबा लेंगे, जिससे कि क्या है हमें कम्युनिकेट हमारा इंडोर टू आउटडोर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 सेकंड तक या 30 सेकंड तक दबा के ही रखना है, जिससे कि हमारा इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन पूरा ले ले। उसके बाद हमारा आउटडोर टू इंडोर कम्युनिकेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नीचे इंडोर पे ग्रीन लाइट ब्लिंक करेंगी इंडोर पे, तो वो इंडिकेट करेंगे कि हमें किसी इंडोर को मास्टर बनाना है। तो इंडोर इसलिए ग्रीन लाइट बिलिंग करेगी कि वो इंडोर मास्टर मांग रहा है, तो हम जिस इंडोर को भी बिलिंग कर रहे हैं उसको ग्रीन लाइट को हमें उसके हैंडसेट रिमोट से मोड का बटन दबाना है, जिससे क्या है कि हमारा उसके बाद हमारा इंडोर मास्टर बन जाएगा।